स्वागत है दोस्तों पार्टनर सब पार्टनरशिप के वीडियो नंबर 2 में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 तक पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है हाउ शुड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 7500 डिवाइडेड बिटवीन टू पार्टनर। इसमें बोला है कि प्रॉफिट हुआ है 7500 रुपया, उसको हम लोग किस तरीके से डिवाइड करेंगे दो पार्टनरों में। व्हेन दे कंट्रीब्यूट 15,000 फॉर 6 मंथ एंड 12,000 फॉर 5 मंथ रेस्पेक्टिवली। अगर वो क्या कर रहे हैं, 15,000 रुपया को 6 महीने के लिए लगा रहे हैं और 12,000 रुपया को 5 महीने के लिए लगा रहे हैं। एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस एज पर इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। और अगर वो लोग क्या है, तैयार है प्रॉफिट या लॉस को बांटने के लिए इफेक्टिव कैपिटल रेशियो के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, दो ठो पार्टनर है ना, दो ठो पार्टनर है, उनका नाम नहीं पता। मान लेते हैं हम लोग एक पार्टनर का नाम ए है, दूसरा पार्टनर का नाम बी है, ठीक है। वो किसी तरह कितना कितना लगा रहे हैं, तो ए हमारा लगा रहा है 15,000 रुपया 6 महीने के लिए और बी हमारा लगा रहा है 12,000 रुपया 5 महीने के लिए। और साल के प्रॉफिट उनको कितना हुआ है साल के लास्ट में, 7,500 रुपया। तो ये कैसे बांटेंगे हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए जो भी हमारा क्वेश्चन है, अगर उसमें देखिए कैपिटल दोनों का दिया हुआ है और ये मतलब टाइम नहीं दिया हुआ है, मतलब कितना टाइम के लिए लगा रहे हैं, तो हमको जरूर से बोला होगा कैपिटल रेशियो के लिए। अगर मतलब दो पार्टनर अगर कैपिटल को इक्वल टाइम के लिए लगा रहे हैं तो कैपिटल रेशियो से ही हम लोग अन प्रॉफिट को बांटते हैं। लेकिन अगर पार्टनर लोग कैपिटल को लगा रहे हैं अलग अलग टाइम के लिए, देखिए यह 6 महीना के लिए 5 महीना के लिए अलग अलग टाइम के लिए लगा रहे, तो उस सिचुएशन में पार्टनर लोगों को कैपिटल इफेक्टिव कैपिटल रेशियो के हिसाब से बांटा जाता है। तो चलिए निकालते हैं इफेक्टिव कैपिटल रेशियो का, रेशियो ए और बी का। ए लगाया है मेरा 15,000 रुपया 6 महीना के लिए, तो 15,000 इंटू 6 ए का हो गया इफेक्टिव कैपिटल। बी लगाया है मेरा 12,000 रुपया 5 महीना के लिए, तो 12,000 इंटू 5 बी का कैपिटल हो गया, ठीक है ना। तो देखिए 15×6=90,000 ए का इफेक्टिव कैपिटल और 12×5=60, 60,000 हो गया मेरा बी का इफेक्टिव कैपिटल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 4×4=0 मेरा कट जा रहा है, तो आ रहा है मेरा 9:6। ये देखिए दोनों ही नंबर मेरे को 3 से काट सकते हैं हम लोग, तो 9 को 3 से काटेंगे 3 और 6 को हम 3 से काटेंगे तो आएगा 2। तो ये निकल गया मेरा इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। अब हम लोग को क्या करना है, सम ऑफ द रेशियो निकालना है। सम ऑफ द रेशियो मतलब क्या करना है, रेशियो को टोटल कर देना है। सम मतलब टोटल, रेशियो का टोटल, रेशियो कितना है 3 और रेशियो है मेरा 2, टोटल कर दिया आ गया मेरा रेशियो 5। यानी कि ए का इफेक्टिव कैपिटल रेशियो हो गया 3/5 और बी का इफेक्टिव कैपिटल रेशियो हो गया 2/5। तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को बांटेंगे ए और बी में, ए में और बी में। तो ए का मेरा रेशियो कितना है 3/5 और बी का रेशियो मेरा कितना है 2/5 और प्रॉफिट मेरा कितना हुआ था, देखिए प्रॉफिट हुआ था मेरा 7,500 रुपया, तो इसे मुझे बांटना है। देखिए 7,500 और 7,500 मैं क्या करूँगा, इंटू करूँगा। तो देखिए 5×5 बच गया 2 और 5 25 हुआ, 5×5=25 और फिर ये 2 जीरो ऊपर चला गया 1500। इसको भी काटूंगा तो आई आएगा मेरा 1500। देखिए 1500 इंटू 3 4500 मिलेगा ए को और 1500 इंटू 2 यानी कि 3000 मिलेगा मेरा बी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 बन गया है, 4500 और 3000 आंसर भी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 8 में जाते हैं, क्या बोला है, एक्स एंड वाई इंटर इनटू ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस एज पर इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। देखिए एक्स और वाई दो ठो पार्टनरशिप बिजनेस में गए हैं और वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस को किस हिसाब से बांट रहे हैं, इफेक्टिव कैपिटल रेशियो के हिसाब से बांट रहे हैं। क्या बोला, एक्स कंट्रीब्यूट 15,000 एंड वाई 30,000। एक्स और वाई दो पार्टनर है, 15,000 और 30,000 रुपया लगाए हैं। आफ्टर थ्री मंथ जेड ज्वाइंट देम, 3 महीने के बाद जेड इनको क्या किया, ज्वाइन किया है विथ ए कैपिटल ऑफ 20,000। कितने रुपये के साथ, 20,000 रुपये के साथ। वाई विड्रॉ हिज कैपिटल आफ्टर 6 मंथ ऑफ स्टार्ट, 6 महीने के बाद क्या करता है वाई अपना पैसा क्या करता है, निकाल लेता है। फाइंड देयर शेयर इन ए प्रॉफिट ऑफ 7,500 रुपये, 7,500 में उनका मतलब प्रॉफिट हुआ साल के लास्ट में, तो वो लोग किस हिसाब से बांटेंगे ये मुझे बताना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो लोग कैपिटल कितने कितने लगाए हैं, एक्स वाई और जेड। तो देखिए एक्स मेरा कैपिटल कितना लगाया था, एक्स मेरा 15,000 और वाई मेरा लगाया था 30,000 रुपया, ठीक है ना। तो देखिए एक्स मेरा लगाया 15,000
वाई मेरा लगाया 30,000। अच्छा फिर उसके 3 महीने के बाद मेरा कौन आया, जेड आया 20,000 रुपया कैपिटल लेके। तो देखिए 3 महीने के बाद आया, तो देखिए क्या है, जेड मेरा 3 महीने के बाद आया, तो साल में कितने महीने होते, 12 महीना। ये मेरा 3 महीने के बाद आया जेड, मतलब ये 12 में से 3 महीना मेरा क्या रहा, बिजनेस में कम रहा, यानी कि ये मेरा 9 महीना रहा होगा। वाई, वाई क्या किया, 6 महीने के बाद अपना कैपिटल को निकाल लिया था, तो इसका भी कैपिटल शुरू के 6 महीने रहा, बाकी 6 महीना नहीं रहा, तो 30,000 भी इसका 6 महीना रहा। और जेड शुरू से लास्ट तक इसके कैपिटल था, मतलब साल भर पूरा था, मतलब पूरा 12 का 12 महीना इसका कैपिटल रहा। अच्छा प्रॉफिट मेरा कितना हुआ है, प्रॉफिट मेरा हुआ है 7,500 साल के लास्ट में, जिसे हमें इनके कैपिटल रेशियो के हिसाब से बांटना है। 7,500 रुपया प्रॉफिट हुआ है, इसे मुझे बांटना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। इफेक्टिव कैपिटल रेशियो एक्स इज टू वाई इज टू जेड, एक्स का कितना है 15,000 बारह महीना के लिए, तो इंटू 12 इसका इफेक्टिव कैपिटल निकल जाएगा 15,000 × 12। वाई का कितना है 30,000 × 6, और जेड का कितना है 20,000 × 9, 9 महीना के लिए लगाया है, तो चलिए इंटू करेंगे 15 × 12 कितना हो गया 180, और ये 1,000 180,000। वैसे इधर लगा रहे 6 × 3 = 18 पे 4 0, 1 2 3 4, फिर देखिए 9 × 2 = 18 उस पर 4 0, 1 2 3 4, देखिए 4 4 0 चारों का कट जा, तीनों का कट जाएगा 18 × 18 × 18, फिर देखिए 18 से हम तीनों को काट देंगे 1:1:1, तो तीनों का रेशियो कितना आया 1:1:1 आया। हमको क्या निकालना है, सम ऑफ द रेशियो निकालना है, सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ द रेशियो मतलब रेशियो को करना है टोटल 1+1+1, यानी कि आया मेरा 3। तो हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट कितना कितना किस किस को मिलेगा, तो देखिए प्रॉफिट एक्स का, फिर वाई का, और फिर लास्टली जेड का। तो देखिए रेशियो कितना है मेरा 1, और टोटल कितना है मेरा 3, तो एक्स का रेशियो 1/3, वाई का भी कितना है 1 और टोटल है 3, तो वाई का भी 1/3, और जेड का भी कितना है 1 और टोटल कितना है 3, तो 1/3 जेड का भी। तो कितना को बांटना है मुझे, देखिए प्रॉफिट मेरा कितना हुआ था साल के लास्ट में 7,500 रुपया, तो मुझे क्या करना है इस हिसाब से 7,500 रुपया को बांटना है। तो देखिए 7,500 को मैं 3 से काटूंगा, देखिए तो देखिए 3 × 2 = 6 बच गया 1 और 5 = 15, 3 × 5 = 15, फिर भी बाकी 2 0 मेरा ऊपर चला गया, इसको भी काटूंगा मैं 3 से तो वही 2500 आएगा, इसको भी काटूंगा 3 से तो मेरा कितना आएगा 2500, 2500 × 1 = 2500, 2500 × 1 = 2500, 2500 × 1 = 2500। तो देखिए तीनों पार्टनर को कितना कितना मिलेगा 2500 2500 2500 रुपये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, ए एंड बी कमेंस्ड बिजनेस, ए और बी मिल के बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं एंड एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एज पर इफेक्टिव कैपिटल रेशियो, और वो लोग क्या है तैयार है प्रॉफिट को बांटने के लिए इफेक्टिव कैपिटल रेशियो के हिसाब से। ए इन्वेस्ट 15,000 एट द एंड ऑफ 8 मंथ 5,000 मोर, मतलब क्या है ए लगाया था 15,000 रुपया और एट द एंड ऑफ 8 मंथ 8 महीने के बाद वो 5,000 और लगा दिया, मतलब 8 महीने के बाद उसका कैपिटल 15,000 + 5,000 यानी कि 20,000 हो गया। तो चलिए ए का कैपिटल हम लोग इफेक्टिव कैपिटल देख लेते हैं, तो देखिए ए का इफेक्टिव कैपिटल कितना हो गया 15,000, वो लगाया 8 महीना के लिए, 8 महीना रहा, फिर मेरा 15,000 में 5,000 और बढ़ गया 20,000, साल में कितना महीना होते हैं टोटल 12 महीना, 12 महीना में से मेरा 8 महीना रहा 15,000, तो बाकी के 4 महीना रहा होंगे मेरे, लास्ट के 4 महीने रहे होंगे मेरे 20,000। चलिए देखते हैं बी का कैपिटल कितना दिया है, तो देखिए बाकी आगे क्या लिखता है, बट बी इन्वेस्ट 7,500 एट द एंड ऑफ 4 मंथ 12,500 मोर, बट विड्रॉ 7,500 एट द एंड ऑफ 6 मंथ मोर, मतलब क्या लिखा है चलिए देखते हैं। देखिए बी इन्वेस्ट कितना किया है 7,500 रुपया, 4 महीने के बाद वो और कैपिटल लेके आया 12,500, तो पहले उसका 7,500 था और 12,500 ऐड हो गया, तो उसका कैपिटल हो गया 20,000, ठीक है ना। फिर बोला ये एट द एंड ऑफ मोर 6 मंथ, मतलब ये 20,000 भी और कितने महीने रहे 6 महीने रहे, वो ही विड्रॉ 7,500, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ ही विड्रॉ 7,500, वो 7,500 रुपया निकाल लिया, यानी उसका कैपिटल कितना रह गया 20,000 था, उससे 7,500 निकाल लिया, मतलब 7,500 कम हो गया, यानी रहा 12,500, कितना महीना के लिए रहा होगा, देखिए 4 महीना इतना रहा, 6 महीना इतना रहा, मतलब 4 6 10 महीना, साल में टोटल 10 महीने होते हैं, तो साल में टोटल 12 महीने होते हैं, 12 में से 10 महीने का मेरे को पता है, तो लास्ट के 2 महीने मेरा 12,500 रहा होगा। तो अब हम लोगन इसी हिसाब से बांटेंगे, तो देखिए फिर क्या बोला है,
एट द एंड ऑफ द ईयर और साल के लास्ट में द प्रॉफिट दे गॉट 4725, उनको प्रॉफिट कितना हुआ साल के लास्ट में 4725, फाइंड देयर शेयर, उनमें उनका शेयर कितना होगा, उनका हिस्सा कितना होगा ये बताना है। तो देखिए लास्ट में, साल के लास्ट में प्रॉफिट कितना हुआ है 4725, ठीक है ना, इसको बांटना है इफेक्टिव कैपिटल रेशियो के हिसाब से। तो चलिए निकालते हैं इफेक्टिव कैपिटल रेशियो ए इज टू बी। ए का कितना होगा 15,000 रुपया उसके थे शुरू के 8 महीने, तो 15,000 इंटू 8, फिर वो और 5,000 ले आया तो उसका हो गया 20,000, ये लास्ट के 4 महीने रहे होंगे, ठीक है ना। साल में 8, साल में 12 महीना होता है, तो शुरू के 8 महीने 15,000 रहे और लास्ट के 4 महीना मेरे 20,000 रहे। वही हम लोग चलते हैं बी का। बी क्या किया, 7,500 लाया शुरुआत के 4 महीने, 7,500 लेके आया 4 महीना तक रहा, और 4 महीने के बाद उसने 12,500 और ले आया तो उसका कैपिटल कितना हो गया 20,000 हो गया, ठीक है ना। और 6 महीना बाद, और 6 महीना बाद उसने क्या किया 7,500 निकाल लिया, तो 20,000 था 7,500 निकाल लिया तो उसका कैपिटल रह गया 12,500। और ये देखिए साल के लास्ट के 2 महीना रहा, शुरू के 4 महीना 7,500, अगले 6 महीना 20,000 और लास्ट के 2 महीना 12,500। चलिए इफेक्टिव कैपिटल निकालते हैं, 15,000 इंटू 8, तो देखिए 15 इंटू 8 120,000 प्लस 4 दूनी 8 80,000 है ना, इस टू है ना 7,500 इंटू 4, तो यहाँ हो गए मेरे 30,000 प्लस 20,000 इंटू 6 यानी कि 120,000 प्लस 12,500 इंटू 2 यानी कि 25,000। तो देखिए 120,000 और 80,000, तो यहाँ पे इसका इफेक्टिव कैपिटल आ गया ए का 2,00,000 रुपया। बी का निकालेंगे 30,000 प्लस 120,000, 150,000 और 25,000 कितना हो गया 175,000। तो देखिए 3,30,000 हज़ार कट गया, फिर देखिए 200:175, देखिए दोनों ही 25 से कटेंगे, इसको 25 से काटा 8, इसको 25 से काटा 7, तो हम लोग का रेशियो और कटने वाला नहीं है, इफेक्टिव कैपिटल रेशियो निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे सम ऑफ द रेशियो। सम ऑफ द रेशियो का मतलब है रेशियो का मुझे क्या करना है, टोटल करना है, यानी कि 8+7 यानी कि 15। तो अब हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट को मुझे बांटना है ए में और बी में, ठीक है। ए का रेशियो कितना है 8 और टोटल कितना है 15, बी का रेशियो है 7 और टोटल कितना है 15। तो देखिए कितना रुपया को मुझे बांटना है, 4,725 रुपया को, तो मैं बांटूंगा 4725 को, 4725 को, ठीक है ना। तो 15 से चलिए 4725 को डिवाइड देता हूँ, देखिए 15 एकम 15, 15 तीय 45, तो 45 चला गया, बचा 2 और 2 22, 15 एकम 15 बच गया 7 और 5, 15 5 75, तो 315 आएगा। 15 से 4725 को डिवाइड देंगे तो आएगा 315। अब क्या करना है, 315 इंटू 8, तो देखिए 5 इंटू 8 40, 4 हाथ में, 8 एकम 8, 8 4 12, 1 हाथ में, 8 तीय 24 और 1 25, यानी कि 2520 मिलेगा। ए को बी को देखते, 7 5 35, 3 हाथ में, 7 एकम 7 और 3 10, 1 हाथ में, 7 तीय 21 और 1 22, तो 2205 रुपया मिलेगा मेरे को बी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स वाई जेड स्टार्टेड ए बिजनेस एंड दे एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एज पर इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। एक्स वाई जेड तीनों मिलकर बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं और वो एग्रीड है, तैयार है अपने प्रॉफिट को बांटने के लिए, किस हिसाब से, इफेक्टिव कैपिटल रेशियो के हिसाब से। देयर कैपिटल आर इन द रेशियो 1:2, 1:3, 1:5, तो उनका कैपिटल का रेशियो दे दिया है, क्या है कैपिटल का रेशियो 1:2, 1:3 और 1:5। एक्स विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल एट द एंड ऑफ 4 मंथ, इसमें क्या बोला कि एक्स क्या किया ना, अपना कैपिटल को, अपना कैपिटल का आधा, हाफ ऑफ हिज कैपिटल, अपने कैपिटल का आधा हिस्सा वो क्या कर लिया, निकाल लिया है ना, विड्रॉ कर लिया मतलब निकाल लिया एट द एंड ऑफ 4 मंथ, 4 महीने के बाद निकाल लिया। एंड आफ्टर 8 मंथ मोर ऑफ प्रॉफिट 2756, और 8 महीने के बाद उनको प्रॉफिट कितना होता है 2756 होता है। वाट आर देयर रेस्पेक्टिव शेयर, तो उनको किस तरीके से उनका कितना कितना मिलेगा उनको प्रॉफिट ये बताना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से बनेगा। देखिए तीन पार्टनर थे एक्स वाई और जेड, तीनों का कैपिटल रेशियो कितना है 1:2, 1:3 एंड 1:5। देखिए एक्स कैपिटल लगाया था 1:2, 1:3 और 1:5, ये इनके कैपिटल का रेशियो मुझे दे दिया, ठीक है ना। तो और प्रॉफिट लास्ट में कितना हुआ है इनको 2756, ठीक है। तो देखिए ये कैपिटल लगाए हैं, हम लोग को क्या निकालना है, इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। क्यों, क्योंकि तीनों का टाइम अलग अलग है। वाई और जेड तो पूरे 12 महीना लगा के रखे थे,
मगर एक्स क्या किया था ना, अपना आधा कैपिटल निकाल लिया था। कितने महीने के बाद निकाल लिया था? एट द एंड ऑफ 4 मंथ, 4 महीने के बाद निकाल लिया था। मतलब इसका 1/2 कैपिटल तो रहा, लेकिन कितना महीना रहा? 4 महीना रहा। उसके बाद इसने, देखिए इफेक्टिव कैपिटल रेशियो निकालना है मेरे को, एक्स का, वाई का और जेड का। एक्स का कैपिटल कितना था? 1/2। ये सिर्फ इसका 4 महीना रहा, 4 महीना के बाद ये आधा निकाल लिया। तो आधा निकालने के बाद इसका बचा कितना? तो देखिए 1/2 का आधा निकाल लिया, मतलब बचा आधा। तो मुझे क्या करना है? 1/2 का आधा करना है। तो आधा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बाय में 2 इंटू करते हैं। डबल करना है तो इंटू में 2 इंटू करना है होता है, और अगर आधा करना है तो बाय में 2 इंटू करेंगे। तो कितना हो गया? 1, 2 इंटू 2, 4। तो इसका कैपिटल कितना रह गया? 1/4। तो इसका कैपिटल रहा 1/4, कितना? बाकी 8 महीने, साल में टोटल 12 महीने थे, तो शुरू के 4 महीना रहा 1/2 और बाकी के 8 महीने रहा 1/4। y का, y देखिए y कैपिटल कितना लगाया था? 1/3, इसका पूरा 12 महीना रहा तो इंटू 12। जेड देखिए कैपिटल कितना लगाया था? 1/5, इस ये भी अपना कैपिटल को बीच में ना ही निकाला और ना ही कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो इसका भी पूरा कैपिटल रहा 12 महीना। तो देखिए काटते हैं, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसको सॉल्व करके आ रहा है मेरा 2, बीच में है मेरा प्लस, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इसको भी सॉल्व करके आ रहा है 2। फिर देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो इसको भी सॉल्व करके आ रहा है मेरा 4। फिर देखिए ये तो कटता दिख रहा नहीं है, 12 इंटू 1, 12 बाय मेरा 5। तो देखिए क्या करेंगे, 2 + 2, 4 हो गया इफेक्टिव कैपिटल रेशियो ए का, फिर 4 रह गया वाई का, और जेड का हो गया मेरा 12/5। तो देखिए मेरे को क्या करना है ना, रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो इसका बाय में 5 है, तो इन दोनों का भी मेरे को बाय में क्या चाहिए? 5 चाहिए। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? देखिए 4 है, बाय में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 4/1, मेरे को बाय में क्या चाहिए? 5 चाहिए। तो मैं बाय में 5 इंटू करूंगा, तो बाय में 5 इंटू करूंगा तो मेरे को इंटू में भी 5 इंटू करना पड़ेगा। वही सिचुएशन इधर भी है, इसका रेशियो कितना है? 4 है, तो बाय में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो बाय में मेरे को क्या लाना है? 5 लाना है। तो बाय में 5 लाना है, तो बाय में मैं 5 इंटू कर रहा हूँ, बाय में 5 इंटू करूंगा तो इंटू में भी 5 मेरे को इंटू करना पड़ेगा। और इसमें क्या, 12/5, इसमें मैं बाय में कुछ इंटू नहीं करूंगा क्योंकि बाय में इसका ऑलरेडी 5 है। अच्छा, मैं बाय में इन दोनों का 5 कर क्यों रहा हूँ? क्योंकि मेरे को बाय में तीनों का 5 होगा, तो मैं बाय का 5 काट दूंगा, तो मेरा रेशियो क्या फ्रैक्शन में नहीं आएगा, नंबर में आएगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा, 4 × 5 = 20 / 1 × 5 = 5। देखिए 4 × 5 = 20 / 1 × 5 = 5 = 12/5। देखिए तीनों का बाय में 5 आ गया ना, ये मेरा कट गया, बाय का तीनों का बाय में 5 था, तो 5 5 5 कट गया, तो मेरा क्वेश्चन का आंसर जो है फ्रैक्शन में नहीं रहा। ठीक है ना, तो इफेक्टिव कैपिटल रेशियो मेरा कितना निकल रहा है? 20:20:12। तो देखिए इफेक्टिव कैपिटल रेशियो मेरा कितना रह रहा है? 20:20:12। अभी मेरे को लगता है और कटेगा, 2 से काटता हूँ, 10 10 और 6, फिर मेरे को लगता है और कटेगा, 2 से काटता हूँ, 5:5:3, मेरे को नहीं लगता अब और कटेगा। तो अब मैं निकाल दूंगा सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ द रेशियो, सम मतलब क्या करना है, रेशियो को टोटल कर देना, यानी कि 5 + 5 + 3, जो मेरा तीनों रेशियो निकला है टोटल कर दूंगा, तो आ गया मेरा 13। अब मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, किसमें किसमें? एक्स में, वाई में और मेरा जेड में। तो एक्स का मेरा कितना है? 5/13, 5/13। वाई का भी कितना है? वही 5/13। और जेड का कितना है मेरा? 3/13, 3/13। बांटना मेरे को कितना था, चलिए मैं देखता हूँ प्रॉफिट मेरा कितना था। देखिए प्रॉफिट मेरा कितना था? 2756, इसको मेरे को बांटना था। तो चलिए तीनों में बांटूंगा, एक्स वाई जेड में, मैं प्रॉफिट को 2756। तो देखिए 13 से काटते हैं, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, बच गया 1 और 5 15, 13 एकम 13, बच गया 2 और फिर आया 6, 13 दूनी 26, 212, इसको भी काटूंगा तो मेरा आएगा 212, इसको भी काटूंगा तो मेरा आएगा कितना? 212। तो देखिए 212 × 5, 212 × 5, तो 250,000 और 12 × 5 = 60, तो 1060, इधर भी 212 × 5 यानी कि 1060, 212 × 3, 200 × 3 = 600 और 12 × 3 = 36, यानी कि 636 आएगा।